लायलपुर खालसा कॉलेज टेक्निकल कैंपस कैंट रोड जालंधर में स्कूल ऑफ पैरा मेडिकल साइंस एलकेसी टीसी एनएसएस कमेटी ने न्यू घई अस्पताल जालंधर के सहयोग से एक विशाल मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें खालसा कॉलेज ऑफ टेक्निकल कैंपस के निदेशक डॉक्टर रमनदीप ने मेडिकल कैंप का रस्मी उद्घाटन किया। तो वहीं मेडिकल कैंप में घई अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर उपेंद्र सिंह घई की स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम डॉक्टर एचएस भूटानी, डॉक्टर सुभाष अग्निहोत्री, डॉक्टर संदली घई, डॉक्टर हरपाल सिंह ऑर्थोपेडिशियन ने मेडिकल कैंप में 300 विद्यार्थियों के गाइनो, यूरोलॉजी, बॉडी चेकअप, ब्लड शुगर, लाइव टेस्ट, हार्ट टेस्ट, किडनी टेस्ट किए और दवाएँ मुफ्त दी गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मायसेल्फ इज डॉक्टर रमनदीप सिंह देव एंड आई एम डायरेक्टर फॉर लायलपुर खालसा कॉलेज टेक्निकल कैंपस। दिस इज पर्टेनिंग टू अ मेडिकल चेकअप कैंप दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पैरा मेडिकल साइंसेज अंडर द लीडरशिप ऑफ आर एचओडी सर दैट इज मिस्टर अमन पॉल जी एंड द कोऑर्डिनेटर दैट इज मिस्टर फकीर चंद जी। दिस इज इन एसोसिएशन विद गई हॉस्पिटल and a team of doctors from KE Hospital, they have come over on the varied fields and they are diagnosing the various ailments that are there for the students also, for our teachers and the staff members, and based on those ailments they are recommending certain medicines also and certain tests also. This is beneficial for the students of our paramedical department and they can understand that how the diagnosis is being done and what type of medication it is being provided for common ailments. When there are certain rare cases or when there are certain issues which need to be taken care of in the labs or in the hospital, the concerned doctors, they are also guiding the patients towards their hospitals and they are writing down that these are the issues which need to be addressed. I am a kidney specialist and I would like to tell you that if you have any disease, kindly don't try to cure it. Go to the shehar, go to the hospital. टेस्ट कराओ तो टाइम सिर इलाज कराओ। नीम हकीम खतरा जान एक पुराना मुहावरा है, लोग भुल गए हैं, लोग चंद्रमा से पहुँच गए हले कुड़िया खाई जाने। सो रब का वास्ता जी कितने भी जाओ पर चंगे अस्पताल जाओ, पढ़ लिखे डॉक्टर को जाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ ताकि तुहाडी बीमारी का कारण लग सके। सैकेंड, शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा वधी हुई है, लोग सोचते हैं मेरे शुगर ने कुछ नहीं कहना, मैं किसले खा के करेले के बीज खा ठीक हो जाना। मैं इस गल नहीं मानता, परहेज रखना जरूरी है, वर्जिश करना जरूरी है, तो दवाई खाना भी जरूरी है। जोड़े मरीज शुगर का ध्यान नहीं रखते, 50 तो बाद पक्का किडनी की प्रॉब्लम, अख की प्रॉब्लम थोड़े को आते हैं। सो जो आप लंबा सुखी वधी जीना चाहते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखो, जो कोई पत्थरी है वह इलाज कराओ।